तो दोस्तों, जब बात आती है देश की तो हमें अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा थंबनेल में कि भाई लात मार के निकालो ऐसे सारे को, सीधा बाहर निकाल के आज का आज ही लात मार के फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोई भी हंसी मजाक नहीं होगा। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ कोई भी जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे पाता हूँ, ठीक है, तो आज ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि भाई ये टॉपिक ही इतना ज़्यादा सीरियस है कि भाई इसमें हम हंसी मजाक कर भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जब बात आती है देश की, जब बात आती है हमारे भारत माता की, जब बात आती है हमारे इंडियंस की, तो भाई मजाक यहाँ पे नहीं, हमें सीरियस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है भाई, और ख़ास करके हमें यूथ को, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान थे वो सारे शहीद भी हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन भाई यहाँ पे ना सिर्फ ये जो चाइना के फोर्स है ना, ये सिर्फ चाइना के फोर्स ही नहीं उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि हमारे जो है वह घर घर में घुसा है भाई उनका एक फोर्स, जिनको हम ऐप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई, हमारे मोबाइल में परमिशन ले लेके, कैमरा का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन, इसका परमिशन, उसका परमिशन ले लेके घर घर में भाई घुसा पड़ा है ये जो चाइना का फोर्स है वो, ठीक है। इसीलिए ये टिकटॉक वायरस बुलाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी ऐप्स है इनको वायरस बुलाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भाई वायरस का भी काम यही होता है कि भाई ये डेटा लेकर के और अपने जो मालिक होते हैं उसके तक भेजते हैं और उससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होगा कि भाई जो चाइना का जो हैकर है वो कितना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, ठीक है। तो हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा मेरे भाई। और यहाँ पे मैं आगे लिस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट के, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के ऑफिशियल टेक ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पे लिस्ट निकाला है इन सारे चीज़ों को। टिकटॉक समेत 52 ऐसे ऐप्स हैं जिनको हमें यूज नहीं करना है। ये सारे जो है वो डायरेक्टली चाइना के सर्वर से कनेक्ट हैं और ये हमारा डेटा जो है चाइना के सर्वर तक भेजते हैं, ठीक है। और ये सारे जो कंपनियाँ हैं ना, जो ऐप्स वाले कंपनियाँ हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को डेटा, सॉरी, चाइना गवर्नमेंट को डेटा देने से मना भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि भाई उनका जो रूल है वो अलग ही है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग ये सोचो यार कि भाई ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं ना, वो हमारे क्या बोलते हैं उसको, ज़िंदगी में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। टिकटॉक क्या है भाई, हमारे यूथ को मुजरा कराने लग रहा है यार, मतलब क्या है मेंटालिटी देख रहे हो लोगों की, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, लड़का लड़की बन रहा है, क्या कर रहा है भाई, मतलब इससे जो है पता लगती है भाई हमारे यूथ की मेंटालिटी क्या होती जा रही है। और हमें अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बात गौर करें ना कि भाई यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, गूगल, इतने बड़े बड़े टेक जायंट्स कंपनियां जो हैं, जो टेक में सबसे ऊपर नाम जिनका गिना जाता है भाई, वो सारे कंपनियों को भाई चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है भाई, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि भाई इतने बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो इतनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ बैन कर सकती है, तो भाई हम लोग ये छोटे मोटे टिकटॉक फिकटॉक क्या ऐप है यार भाई, तो हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते भाई। और बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव है जो आप लोग ढूंढ सकते हो, आगे मैं लिस्ट बताऊंगा, प्लीज़ उस लिस्ट को देखना। अगर एक भी ऐप है उसमें से भाई उसको लात मार के बाहर निकालो अभी कभी फ़ोन में से, ठीक है। और भाई ये सारे जो ऐप्स हैं ना, वो हमें मतलब पल पल नज़र रखते हैं हमके ऊपर, हमारे ऊपर, कि भाई क्या मतलब कि भाई लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या है इन लोगों की, हमारे वीकनेस तक सब कुछ जानते हैं वो लोग, ठीक है। तो भाई ये सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जो उनका जो सेना है ना, वो भाई पहुँचा हुआ है हमारे घर घर तक, और इनको हमें निकाल फेंकना है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मामले में, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे हार्डवेयर के मामले में भी फेंकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उम्मीद एक जागा है कि भाई मोबाइल फ़ोन के उसमें माइक्रोमैक्स ने कहा है कि भाई हम अभी ज़िंदा है, एक फ़ोन पे काम करें, तो भाई आई होप जल्दी से वो फ़ोन आए, ठीक है। तो भाई प्लीज़, अगर आप एक सच्चा भारतीय है, सच्चा एक नागरिक, अगर हम अपने देश से प्यार करते हो, तो भाई प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इन सभी ऐप्स को भाई प्लीज़ 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 रिमूव करो अपने फ़ोन से, लात मार के बाहर निकालो, क्लीन हो जाओ भाई, प्लीज़ भाई प्लीज़। और जहाँ तक बात है टेक्निकल गुरु जी या टेक्निकल सागर की फ़ोटो क्यों लगाई, तो भाई इन्होंने भी वीडियो डाला है और मैं इन दोनों लोगों से एग्री करता हूँ। और टेक्निकल सागर ने अपना अकाउंट भी डिलीट किया था टिकटॉक से, जो वेरीफाइड अकाउंट था,
और टेक्निकल गुरुजी तो किया ही हैं, उनका टिकटॉक पर तो अकाउंट नहीं था बट उन्होंने वीडियो बनाया चीज़ को लिए अवेयर किया है। और थोड़ा बहुत मोटी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, व्यूज से भी है क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ भाई प्लीज़, ठीक है। नहीं तो मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी कर सकता था यार व्यूज़ के लिए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उनके वजह से अगर 4-5 लोग अगर देखते हैं इस वीडियो को, 10 लोग 100 लोग अगर देखते हैं इस वीडियो को, अगर उसमें से 2-3 लोग भी अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो भाई मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को क्लिकबेट लगता है तो भाई डिसलाइक मार के जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन लोगों को अच्छा लगा वीडियो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, अपने जितने फैमिली रिलेटिव तक पहुँचा सकते हो इस वीडियो को पहुँचाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारी देश की बात है भाई, हमें सीरियस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।